संबल में 2.5 लाख की लूट की पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के संबल मुरादाबाद मार्ग स्थित तुर्की कोल्ड स्टोर के पास घटी है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक की आंख में मिर्च डालकर वारदात की है। पीड़ित के अनुसार बदमाश स्कूटी सहित उसमें रखी 2.5 लाख की नकदी लूट ले गए। लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे SP चक्रेश मिश्रा सहित पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली है। फिलहाल पुलिस ने घटना के खुलासे को लेकर टीम गठित कर दी है। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। क्या घटना हुई है? घटना सर, वो फैक्ट्री, घर से फैक्ट्री के लिए निकला, रास्ते में यहाँ पर तुर्की कोल्ड स्टोर के पास में 3 मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल सवार आए। एक हेलमेट लगा हुआ था, 2 डाटे लगा हुए थे। सबसे पीछे वाले ने उसकी आँख में मिर्ची डाल दी। किसके? छोटे भाई की, मेरे फैद की। फैद की कहाँ जा रहे थे? वो अलफला फ्रोजन फूड्स, वहाँ पर काम करता है वो। फिर क्या हुआ? और उससे वो मिर्ची डालने के बाद में वो मोटरसाइकिल ने बाइक रोकी, स्कूटी अपनी, और उससे स्कूटी छीन के वो भाग गए। बोले उसे धमकी दे रहे थे, बोले तेरे पास क्या है, क्या लेके जा रहा तू। बोले एक दूसरा बोला, बोले इसके फायर मारो। तो वो घबरा के BS धर्म घाटी की तरफ गया। वो वहाँ पर जाके मुँह धोया, फिर उसने हमें फोन करी। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या ले गए वो मौसम से? वो स्कूटी, स्कूटी में 2.5 लाख रुपये रखे हुए थे। सर, जिस तरह से क्या मामला सामने आया है? ये थाना संभल में संभल मुरादाबाद रोड पर एक लड़का जो स्कूटी से जा रहा था, उसको पीछे से 2 लड़कों ने ओवरटेक किया और उसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर फेंका और उसकी स्कूटी लेकर भाग गए। उसके द्वारा, लड़के के द्वारा, पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि उसकी स्कूटी में 2.5 लाख रुपये थे। तो इसमें हम लोगों ने सर्विलांस और SOG की टीम को लगाया हुआ है। जल्दी इसमें जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।